हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस, इस पार्ट में हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे दो नए टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है गाइस कि हम वो क्या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी जिसके थ्रू सॉल्यूशन से मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री को निकाल सकते हैं। यानी कि वो क्या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी जिसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हम मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री को निकाल सकते हैं। और गाइस, फिर हम एक डाइग्रेशन लेंगे, मतलब अपने मेन टॉपिक से हम हट के एक अलग टॉपिक है गाइस, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और गाइस, वो है मेथड ऑफ लग्रांजे मल्टीप्लायर्स। अब गाइस, ये मेथड क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, ये तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपनी इस जर्नी को, आगे बढ़ाते हैं, लेट्स सी। तो गाइस, अब हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम ज्योमेट्रिक मार्जिन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपने एक डिसीजन बाउंड्री पे बेसिकली हर एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए सी आई इंटू थेटा हैट 0 डिवाइडेड बाई एल टू नॉर्म ऑफ थेटा हैट प्लस थेटा हैट ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई एल टू नॉर्म ऑफ थेटा हैट निकाला इंटू एक्स आई। यानी कि अब आपका जो फर्दर ऑन मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर हो जाएगा हर एग्जाम्पल के लिए, हर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए, वो गाइज ये हो जाएगा। और सबके ऊपर ऐसा एक डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालने के बाद जो सबसे कम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ रहा होगा गाइज, वही हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मार्जिन। तो दैट इज द सिनेरियो गाइस। इसका मतलब अब हम फंक्शनल मार्जिन की बजाय ज्योमेट्रिक मार्जिन निकालेंगे। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है गाइस कि हम किसी भी डिसीजन बाउंड्री के लिए जो ज्योमेट्रिक मार्जिन है उसको अब क्या लिख सकते हैं, उसको गाइस हम ये लिख सकते हैं, दैट इज द फंक्शनल मार्जिन डिवाइडेड बाई एल टू नॉर्म ऑफ थेटा हैट। बिकॉज एक्चुअल में हमने यही किया है गाइज, हमने अपने फंक्शनल मार्जिन को सिर्फ डिसीजन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया है, जिससे कि अगर हम अपने नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करके फंक्शनल मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश करें तो गाइज फंक्शनल मार्जिन अभी भी हमारा वही निकल के आएगा अगर हम फंक्शनल मार्जिन को नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं, जो कि सही है। क्योंकि गाइस, नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज करके फंक्शनल मार्जिन को इंक्रीज करना एक बहुत ही मिसलीडिंग सी चीज़ है, बिकॉज वो आपको ऐसा लगेगा कि यस, आप अपनी डिसीजन बाउंड्री का जो डिस्टेंस है सपोर्ट वेक्टर से वो इंक्रीज कर रहे हो, बट द रियलिटी इज दैट कि आपकी डिसीजन बाउंड्री का सपोर्ट वेक्टर से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है गाइस। आपकी डिसीजन बाउंड्री इज एट द सेम प्लेस, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन। तो गाइस, ज्योमेट्रिक मार्जिन तभी चेंज होगा जब आपके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में चेंजेस होंगे, उसकी लेंथ में चेंजेस होने से ज्योमेट्रिक मार्जिन चेंज नहीं होने वाला है गाइस। ओके, तो दैट इज प्रिटी क्लियर नाउ कि वी कैन राइट ज्योमेट्रिक मार्जिन एज फंक्शनल मार्जिन डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द डिसीजन प्लेन। तो गाइस, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी इससे पहले बताया अभी कि फंक्शनल मार्जिन के साथ प्रॉब्लम क्या है। गाइस, फंक्शनल मार्जिन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप डिसीजन बाउंड्री के फंक्शनल मार्जिन को 10 भी बना सकते हो, राइट?
आप सिंपली कुछ मत करिए, आप अपने यूनिट वेक्टर की, जो आपका नॉर्मल वेक्टर है उसकी लेंथ को आप 10 टाइम्स कर दीजिए, तो आपका फंक्शन मार्जिन 10 आ जाएगा या 10 टाइम्स हो जाएगा। आप अपने यूनिट वेक्टर की लेंथ को हाफ कर दीजिए, आपका फंक्शन मार्जिन हाफ आ जाएगा। कहने का मतलब गाइज यहाँ पे ये है कि आप अपने फंक्शनल मार्जिन की डिज़ायरेबल वैल्यू किसी भी डिसीजन प्लेन के लिए निकाल सकते हो। मतलब कि अगर आपका फंक्शनल मार्जिन पहले, अगर मान लीजिए लेट्स से 8 आ रहा था किसी भी डिसीजन बाउंड्री का, तो आप उसे 8 से 16 भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने यूनिट वेक्टर की लेंथ में चेंजेस करने हैं, या आप अपने यूनिट वेक्टर की लेंथ डिपेंडिंग अपॉन कि आपको अपने डिसीजन बाउंड्री का फंक्शनल मार्जिन कितना चाहिए, उस हिसाब से आप अपने यूनिट वेक्टर की लेंथ को ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड आप एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उस केस में आपके डिसीजन बाउंड्री का जो डिस्टेंस होगा सपोर्ट वेक्टर से, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। द ओनली थिंग विच यू आर डूइंग इज दैट यू आर सिंपली चेंजिंग दिस फंक्शनल मार्जिन बाई चेंजिंग द लेंथ ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ योर डिसीजन प्लेन। सो यू कैन मेक इट एनी नंबर, ओके? यू कैन कन्वर्ट योर फंक्शनल मार्जिन इन टू एनी नंबर, एनी डिजायरेबल नंबर यू वॉन्ट। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ योर डिसीजन प्लेन इन सच अ फ्रैक्शन कि आपके फंक्शनल मार्जिन का वो नंबर निकल गया है। आप अपने फंक्शनल मार्जिन को 10 भी बना सकते हो, आप अपने फंक्शनल मार्जिन को हाफ भी बना सकते हो, और आप अपने फंक्शनल मार्जिन को 4 भी बना सकते हो। एंड गेस व्हाट गाइस, ये तीनों के तीनों फंक्शनल मार्जिन एक ही डिसीजन प्लेन के हैं। बट ये फिर अलग कैसे आ रहे हैं? कुछ नहीं किया आपने, आपने बस अपने प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की जो लेंथ थी उसमें उसको घटाया या बढ़ाया, जिसकी वजह से आपको अपना डिजायरेबल फंक्शनल मार्जिन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि हम एक ही डिसीजन प्लेन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल मार्जिन निकाल सकते हैं बाई सिंपली रीस्केलिंग द लेंथ ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द डिसीजन प्लेन। दैट्स इट। और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि तीनों केसेस में, भले आपका फंक्शन मार्जिन आपने 10 बना दिया हो, भले हाफ बना दिया हो, भले 4 बना दिया हो, तीनों केसेस में आपके डिसीजन प्लेन का जो डिस्टेंस है सपोर्ट वेक्टर से वो सेम रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, यू आर सिंपली चेंजिंग द लेंथ ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये है गाइस कि आप अपनी किसी भी डिसीजन बाउंड्री का या डिसीजन प्लेन का डिजायरेबल फंक्शनल मार्जिन अचीव कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस डिसीजन प्लेन के यूनिट वेक्टर की लेंथ में डिजायरेबल चेंजेस करने हैं, जिससे कि आपका डिजायरेबल फंक्शनल मार्जिन आपको मिल जाए। सो यू कैन मेक इट 10 ऑल्सो, हाफ ऑल्सो, 4 ऑल्सो, 100 ऑल्सो, 50 ऑल्सो, 60 ऑल्सो, एंड योर प्लेन विल रिमेन द सेम। तो यू हैव टू सिंपली रीस्केल द नॉर्मल वेक्टर। आपको अपने नॉर्मल वेक्टर की लेंथ में बस कुछ चेंजेस करने हैं गाइस, और अगर आप चाहो तो आप अपने फंक्शनल मार्जिन को 1 भी बना सकते हो। तो गाइस अभी हम ये एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि आपने आपका कोई सा भी डिसीजन प्लेन है, और आपने उस डिसीजन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की लेंथ को इस तरीके से रीस्केल किया है गाइस कि आपका जो उस स्पेसिफिक डिसीजन प्लेन का फंक्शनल मार्जिन है वो 1 निकल गया आ रहा है, विच वी कैन इजिली डू फॉर एनी डिसीजन प्लेन गाइज। तो नाउ वी नो दिस थिंग वेरी वेल दैट वी हैव मेड सच काइंड ऑफ चेंजेस इन द लेंथ ऑफ अवर नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन
हमने अपने प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की लेंथ में कुछ इस तरीके से रीस्केलिंग करी है गाइस, कि हमारा जो फंक्शनल मार्जिन निकल के आ रहा है उस स्पेसिफिक डिसीजन प्लेन का, विच कैन बी एनी डिसीजन प्लेन, क्योंकि आप किसी भी डिसीजन प्लेन के लिए कर सकते हो गाइस, वो वन निकल के आ रहा है। तो नाउ आवर एफ इज वन, फंक्शनल मार्जिन इज वन। ओके, हम इसे किसी और नंबर से भी रीस्केल कर सकते थे गाइज, हम अपने फंक्शनल मार्जिन को कुछ और भी बना सकते थे, बट वी डिसाइडेड टू मेक इट वन। हमने ऐसा क्यों किया गाइज, अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो गाइज, अब हमारा फंक्शनल मार्जिन डिसीजन बाउंड्री का हो चुका है वन। तो इसका मतलब ये है कि अब ज्योमेट्रिक मार्जिन को हम वन डिवाइडेड बाई थेटा हैट का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो गाइस, अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फंक्शनल मार्जिन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम ज्योमेट्रिक मार्जिन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमको एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालनी है जिसका ज्योमेट्रिक मार्जिन दोनों डेटा पॉइंट्स के सपोर्ट वेक्टर्स से सबसे ज़्यादा हो, ठीक है गाइस। लेकिन एट द सेम टाइम वो डिसीजन बाउंड्री क्या होनी चाहिए गाइस, हमारे ट्रेनिंग डेटा के अंदर हर डेटा पॉइंट को प्रॉपरली क्लासिफाई करने वाली होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि अब ये जितनी बात मैंने बोली है इसको आप मैथ्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो गाइस, इसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको थेटा हैट 0 और थेटा हैट की इस तरीके की वैल्यू निकालनी है कि आपका जो फंक्शनल सॉरी आपका जो ज्योमेट्रिक मार्जिन है, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज़ गाइस हमारी ज्योमेट्रिक मार्जिन है, जो उस डिसीजन बाउंड्री का ज्योमेट्रिक मार्जिन है, वो दोनों ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के सपोर्ट वेक्टर्स से सबसे ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमम मार्जिन। साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि फॉर एवरी एग्जाम्पल गाइज, ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी आई, फॉर एवरी आई इज व्हाट इज आई, आई आपके ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स का इंडेक्स है। यानी कि एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर थ्री, आपके पूरे ट्रेनिंग डेटा में कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके ट्रेनिंग डेटा में, उनमें से हर एक एग्जाम्पल के लिए ये कंस्ट्रेंट जो है, ये कंडीशन जो है, वो उस डिसीजन बाउंड्री के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है गाइस, अगर मैं आपको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके बताना चाहूँ कि गाइस, आपको थेटा हैट 0 और थेटा हैट की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो आपको डिसीजन बाउंड्री के लिए दोनों ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के सपोर्ट वेक्टर्स से सबसे ज़्यादा ज्योमेट्रिक मार्जिन देगी। ओके, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी मेक श्योर करना है कि कहीं गलती से भी आप थेटा 0 हैट और थेटा हैट की ऐसी वैल्यू ना चूज कर लें जिससे कि किसी भी एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए ये कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो जाएगा, इस ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि अब आप अपने थेटा हैट 0 पैरामीटर और थेटा हैट नॉर्मल वेक्टर को फ्रीली चेंज करके नहीं देख सकते कि जिससे आपकी डिसीजन बाउंड्री का जो ज्योमेट्रिक मार्जिन है वो दोनों टाइप के ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के सपोर्ट वेक्टर्स से सबसे ज़्यादा हो जाए। यू कैन नॉट फ्रीली वेरी योर थेटा हैट 0 एंड थेटा हैट, इतना आसान नहीं है गाइस। क्योंकि अगर अब आप फ्रीली वेरी करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में से किसी भी एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए या दो ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए या 10 ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रेंट जो है गाइस वो ब्रेक होने लग जाए। ब्रेक होने का मतलब है कि कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स के लिए हो सकता है कि आपका
अगर आप उस ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए सी आई इंटू थेटा हैट 0 + थेटा हैट ट्रांसपोज एक्स आई का आंसर निकालोगे तो शायद वो लेस देन या लेस देन प्लस वन हो जाए, लेस देन इक्वल टू प्लस वन हो जाए, जबकि हमें हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए वो आंसर क्या चाहिए गाइस, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस वन चाहिए गाइस। सो दैट इज द प्रॉब्लम नाउ। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि अब हमारे थेटा हैट 0 और थेटा हैट जो नॉर्मल वेक्टर है उसके ऊपर अब हमने कंडीशंस लगा दी हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज अब हम फ्रीली चेंज करके नहीं देख सकते कि हम कोई भी ऐसी रैंडम वैल्यू ले लें या कोई भी ऐसी वैल्यू ले लें जिससे कि हमारा 1 / मैग्नीट्यूड ऑफ थेटा हैट वाली जो चीज़ है वो मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि ज्योमेट्रिक मार्जिन जो है वो हमारे डिसीजन बाउंड्री का मैक्सिमाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि गाइस अब हमें ये भी देखना है कि वो वैल्यू कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि हमारा थेटा हैट 0 और थेटा हैट जो वेक्टर है वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि वो किसी भी ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए गलती से भी इस कैलकुलेशन का आंसर कहीं लेस देन इक्वल टू प्लस वन ना दे दे। क्योंकि गाइस अगर ऐसा होता है तो आई एम सॉरी, आप ना तो वो थेटा हैट 0 की वैल्यू चूज कर सकते हो मैक्सिमाइज करने के लिए ज्योमेट्रिक मार्जिन को, और ना थेटा हैट की वैल्यू चूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंस्ट्रेंट्स की बाउंड्रीज के अंदर रह करके, ठीक है, थेटा हैट 0 और थेटा हैट वेक्टर की ऐसी वैल्यूज को चूज करना है जिससे कि हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा है जिसमें 4000 एग्जाम्पल्स हैं, तो गाइज दीज आर 4000 कंस्ट्रेंट्स, यानी कि आपके कंस्ट्रेंट्स का जो नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स इन योर ट्रेनिंग डेटा। तो गाइज अगर आपके ट्रेनिंग डेटा में 4000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं तो आपको ऐसे 4000 कंस्ट्रेंट्स को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई एक कंस्ट्रेंट ब्रेक हो रहा है या वॉयलेट हो रहा है या वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ट्रेनिंग डेटा में कोई एक सिंगल एग्जाम्पल ऐसा है जिसके लिए उसके क्लास लेवल का मल्टीप्लिकेशन उस सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ थेटा हैट 0 + थेटा हैट ट्रांसपोज एक्स आई से, एक्स आई का जो आंसर निकल के आ रहा है वो पता चला लेस देन प्लस वन आ रहा है। ओके, क्योंकि गाइज अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि आपके 4000 कंस्टेंट में से कोई एक कंस्टेंट ऐसा था, कोई एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल ऐसा था जिसके लिए वो सेलेक्टेड थेटा हैट 0 की वैल्यू और वो सेलेक्टेड थेटा हैट वेक्टर काम नहीं कर रहा है गाइस, कंस्ट्रेंट ब्रेक कर रहा है, आंसर लेस देन प्लस वन आ रहा है। ठीक है, तो आप फिर वो वैल्यू नहीं ले पाओगे। ठीक है, अब आपको कोई दूसरी वैल्यू देखनी पड़ेगी थेटा हैट 0 एंड थेटा हैट वेक्टर की बेसिकली। सो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ, यानी कि अब हम फ्रीली चेंज करके नहीं देख सकते हैं थेटा हैट 0 और थेटा हैट वेक्टर की वैल्यू। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम गाइस। ओके, नाउ मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे चीज़ों को बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर में डाल देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रेनिंग डेटा है जिसमें आपके पास एक पर ट्रेनिंग एग्जाम्पल, अगर आपके पास 30 फीचर्स हैं, ओके, और मे बी आपके पास कोई ऐसा ट्रेनिंग डेटा है जिसमें आपके पास पर ट्रेनिंग एग्जाम्पल 3 फीचर्स हैं, ठीक है, तो तीन कॉलम आपके पास फीचर्स के हैं और एक कॉलम आपके पास क्लास लेवल का है, तो क्लास लेवल वाले कॉलम में तो आपका -1 और +1 आएगा, बिकॉज गाइज हमने SVM में अपने क्लास लेवल्स को 0, 1 से बना दिया है, -1, +1, और जो बाकी के तीन कॉलम्स होंगे गाइज आपके डेटा में उसमें बेसिकली आपके पास आएगा फीचर। तो हमारे पास गाइज ये जो एक्स आई होगा, व्हाट इज दिस, ये एक्स आई जो होगा ये हमारे आईथ ट्रेनिंग एग्जाम्पल का फीचर वेक्टर होगा, आईथ ट्रेनिंग एग्जाम्पल फीचर वेक्टर, आईथ ट्रेनिंग एग्जाम्पल फीचर वेक्टर का ये मतलब है गाइस कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ गाइस कि
लेट्स से कि हम ट्यूमर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कि हमें ट्यूमर क्लासिफिकेशन करना है जो कि हमें ये बताएगा कि ट्यूमर बेनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा। तो गाइस, ट्यूमर को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास हर ट्यूमर के तीन फीचर्स दे रखे हैं, यानी कि ट्यूमर का रेडियस दे रखा है, ट्यूमर का पेरिमीटर दे रखा है और ट्यूमर का लेट्स से एरिया दे रखा है। तो गाइस, आपका किसी भी आयत ट्यूमर का जो डाटा होगा, यानी कि ये जो तीन चीज़ें होंगी, ये इस वेक्टर के अंदर होंगी गाइस, XI वेक्टर के अंदर होंगी, दैट इज़ द फीचर वेक्टर। यानी कि ये एक कुछ इस तरीके का वेक्टर होगा जिसमें सबसे पहले नंबर पे उस ट्यूमर का रेडियस मीन होगा RI, सेकेंड नंबर पे उस ट्यूमर का पेरीमीटर मीन होगा PI, और थर्ड नंबर पे उस ट्यूमर का एरिया मीन होगा गाइस AI। सो दैट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। ओके, वेरी वेल, वेरी वेल एंड सेड, राइट। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि जो हमारा थेटा हैट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, थेटा हैट इज गोइंग टू बी अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर, यानी कि थेटा हैट भी एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर होगा। इसके अंदर थेटा हैट वन होगा, थेटा हैट टू होगा एंड थेटा हैट थ्री होगा। तो गाइस, हमें इस थेटा हैट वेक्टर की ऐसी वैल्यू निकालनी है, और थेटा हैट जीरो जो कि एक स्केलर है, उसकी ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये ज्योमेट्रिक मार्जिन जो है गाइस, ये सबसे ज़्यादा हो जाए फ्रॉम द सपोर्ट वेक्टर्स। एट द सेम टाइम वो थेटा हैट की वैल्यू और वो थेटा हैट जीरो की वैल्यू इस टाइप की होनी चाहिए कि किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए अगर हम CI इंटू, यानी कि किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए अगर हम उसके क्लास लेबल को थेटा हैट जीरो प्लस थेटा हैट ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई उसके फीचर वेक्टर से करते हैं और ये पूरा आंसर निकालते हैं गाइज, तो हमारा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू +1 ही आना चाहिए। अगर एक भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए ये कंडीशन वॉयलेट होती है तो अनफॉर्चुनेटली वो थेटा हैट जीरो और थेटा हैट वेक्टर की वैल्यू हम नहीं ले सकते, वी आर बाउंडेड बाई दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है गाइज, तो अब हमारे सामने बेसिकली एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, वी हैव अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज द वे वी हैव टू प्रोसीड। लेकिन गाइज, इस प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम है। ओके, ये सुनने में थोड़ा पता लग रहा होगा, प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट गाइज, कि ये जो चीज है गाइज, ये जो पूरी चीज हमने लिखी है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यानी कि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, यानी कि हमने हमें जो काम करना है उसको हमने मैथमेटिकल टर्म्स में यहाँ मेंशन कर दिया है कि हमें करना क्या है। हमें एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालनी है जिसका ज्योमेट्रिक मार्जिन सबसे ज़्यादा होगा। ओके, एंड एट द सेम टाइम वो हम कैसे ज्योमेट्रिक मार्जिन को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, थेटा हैट जीरो और थेटा हैट की ऐसी वैल्यू निकाल करके जिससे कि ज्योमेट्रिक मार्जिन हमारा सबसे ज़्यादा आ जाए। ठीक है, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में से किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए नॉट इवन वन, जो नीचे वाला कंस्ट्रेंट है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए, मतलब आंसर सबके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू +1 ही आना चाहिए। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है गाइज इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के अंदर, कि अगर आपका थेटा हैट वेक्टर जो है गाइज वो एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल थेटा हैट वन, थेटा हैट टू एंड थेटा हैट थ्री। ठीक है, और अगर गाइज आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट थेटा हैट वन स्क्वायर, थेटा हैट टू स्क्वायर, थेटा हैट थ्री स्क्वायर। अब गाइज, ये एक हिसाब से आप देखें तो ये एक फंक्शन है जो तीन थेटास का फंक्शन है, यानी कि थेटा हैट वन कॉमा थेटा हैट टू कॉमा थेटा हैट थ्री। मैंने इसको तीन थेटास का फंक्शन क्यों बोला गाइस, क्योंकि ये तीन थेटास फिक्स नहीं है, ये वेरी करते रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे, सो दे आर वेरिएबल्स।
अगर इस फंक्शंस फंक्शन जो होता है वो वेरिएबल्स का ही होता है। वेरी क्यों करते रहेंगे? क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ज्योमेट्रिक मार्जिन की, तो हमें हमें इन्हें बार बार चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिक मार्जिन की वैल्यू क्या आई चेंज करने पर। सो दैट इज़ वाई इट्स अ फंक्शन। अब गाइज हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? हमारा फंक्शन ये नहीं है, हमारा फंक्शन ये है गाइज। आवर फंक्शन इज दिस थिंग। अब गाइज इस फंक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता है कि नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस क्या होते हैं तो अभी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट गाइज सिर्फ मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगा कि नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन कुछ इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनमें बहुत सारे लोकल मिनिमाज और लोकल मैक्सिमाज होते हैं, ठीक है? एक पैराबोला जो होता है गाइज वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है? और एक इस टाइप की चीज़ है, दिस इज़ अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इसके अंदर कितने सारे मिनिमाज हैं। एक मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा, चौथा मिनिमा, फिर पांचवा मिनिमा, सिक्स्थ मिनिमा, सेवन्थ मिनिमा एंड एट्थ मिनिमा एंड दिस इज द नाइन्थ मिनिमा। तो ये जितने भी ऊपर ऊपर आपको मिनिमाज नज़र आ रहे हैं गाइस, ये सब लोकल मिनिमाज हैं। और जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है गाइस वो है आपका ग्लोबल मिनिमा। ओके, तो दैट इज़ द इशू वाइज। जो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा उसमें लोकल मिनिमा ही ग्लोबल मिनिमा होगा, यानी कि उसके अंदर एक ही मिनिमा होगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो गाइज ऐसे फंक्शंस को मिनिमाइज करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसके अंदर एक ही मिनिमा होता है बस, वही आपका ग्लोबल मिनिमा होता है। ग्लोबल मिनिमा मतलब ऐसी वैल्यू, यानी कि आपका फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उसकी ऐसी वैल्यू जो आपके फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आपको दे। लेकिन जो नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस होते हैं गाइस वहाँ पे ग्लोबल मिनिमा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे लोकल मिनिमाज हैं। तो योर एल्गोरिदम, आपका जो एल्गोरिदम है वो जब इस फंक्शन को मिनिमाइज करेगा, जैसे कि आपको पता है कि हम मिनिमाइज करने के लिए यूजली ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं गाइस, तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है वो इन लोकल मिनिमाज में भी फंस सकता है, जबकि हमको चाहिए कौन सा मिनिमा गाइस? ग्लोबल मिनिमा चाहिए। तो नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस हमारे लिए इज अ बैड न्यूज़। वी डोंट वांट नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस, हमें कॉन्वेक्स फंक्शंस चाहिए, हमें नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस नहीं चाहिए गाइस, ठीक है? अब गाइस पैराबोला जो होता है उसके फंक्शन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है उसमें? डिग्री क्या आ रही होती है? टू। मतलब अगर आप पैराबोला की इक्वेशन लिखोगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू 4x2, दैट्स अ पैराबोला, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो टू आ रही है। कुछ ऐसा ही सीन गाइस हमारे साथ भी हो रहा है। थीटा 1 हैट स्क्वायर प्लस थीटा 2 हैट स्क्वायर प्लस थीटा 3 हैट स्क्वायर। इसका मतलब हमारा भी जो फंक्शन आ रहा है वो कुछ पैराबोला टाइप आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इसके ऊपर अंडर रूट है, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो गाइज अभी हम देखते हैं कि इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? लेट अस सी। लेकिन अभी के लिए रियलिटी यही है गाइज कि हमारे पास ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है और हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दैट इज द फॉर्मुलेशन विद अस। तो हमने क्या किया गाइस कि हमने इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके ऐसे लिख लिया। अब आप कहोगे ये क्या बात है? बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि अगर आपको इस पूरी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है तो जाहिर सी बात है गाइस कि आपको डिनोमिनेटर को कम से कम करना होगा, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर को कम से कम करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई ये वाली पूरी चीज़ बढ़ेगी, मैक्सिमाइज होगी। तो गाइस रैदर देन राइटिंग दिस थिंग एज 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, हम क्या कह रहे हैं कि आप डिनोमिनेटर को घटाओ, क्योंकि ऊपर तो कॉन्स्टेंट है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो 1 है, 1 को थोड़ी चेंज कर दोगे, 1 तो कॉन्स्टेंट है। हाँ, लेकिन जो नीचे वाली चीज़ है वो थेटा हैट पर डिपेंड कर रही है, और थेटा हैट को हम बदल सकते हैं क्योंकि वो वेरिएबल है।
तो गाइस अब हम ये कह रहे हैं कि आप डिनोमिनेटर को घटाओ, डिनोमिनेटर को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटाओगे आपकी ये पूरी चीज़ उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अल्टीमेटली ये दोनों प्रॉब्लम सेम है, या तो आप 1/ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर को मैक्सिमाइज करिए या सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा घटाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, 1/ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर इंक्रीज होगा, ज्योमेट्रिक मार्जिन बढ़ेगा। बट गाइज अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमारा जो फंक्शन है वो नॉन कॉन्वेक्स है क्योंकि अंडर रूट आ रहा है। तो हमने क्या किया गाइज, हाँ हमने लगाया दिमाग। अब हमने इस प्रॉब्लम को फर्दर ऑन मॉडिफाई कर दिया। तो गाइज अब हमारी जो फाइनल प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, यानी कि जिस चीज़ को हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, वो क्या हो जाएगी, वो गाइज हो जाएगी ये। ओके हाँ, एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी गाइज, देर इज अ डिफरेंस, ओके, कि अब हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है यहाँ पे, ओके। लेकिन गाइस सोचने वाली बात है कि चलिए आप कहोगे स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगाने से हमारा स्क्वायर रूट हट गया, ये हाफ क्यों लगाया आपने, वेयर इज दिस हाफ कमिंग फ्रॉम गाइस। हाफ लगाने का यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाफ इसलिए लगाया ताकि मैथमेटिक्स ईजी हो जाएगी। गाइज ये एक शैलो रीज़न है, शैलो रीज़न है कि मैथमेटिक्स इजी हो जाएगी, बट इसके पीछे का जो डिटेल रीज़न है वो कुछ और है गाइज, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी गाइज रियलिटी अब ये है कि हमको फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट इज़ द प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी है गाइज। बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉन्वेक्स हो चुका है, स्क्वायर ले लिया आपने, अंडर रूट नहीं आ रहा है, फंक्शन कॉन्वेक्स हो गया है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर हमें एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी जो ग्लोबल मिनिमा भी होगी और लोकल मिनिमा भी होगी, यानी कि थेटा हैट की अब हम ऐसी वैल्यू निकाल पाएंगे जो कि पूरे फंक्शन की इकलौती ऐसी वैल्यू होगी जिस पे आपको ग्लोबल मिनिमा भी मिल रहा होगा और लोकल मिनिमा भी मिल रहा होगा, यानी कि आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ये सबसे कम मिलेगी। और गाइस वही सेम पुराने कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास कि आपको थेटा हैट 0 और थेटा हैट की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि किसी भी एक सिंगल एग्जांपल के लिए ये कंस्ट्रेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, वॉयलेट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर गाइस। अगर ऐसा होता है तो आप वो थेटा हैट 0 और थेटा हैट की वैल्यू को ले नहीं सकते हो, इट्स नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इट्स वॉयलेटिंग द कंस्ट्रेंट्स। ओके गाइस, तो ये है बेसिकली हमारी फाइनल प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है गाइस। सो लेट्स सी गाइस अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट पार्ट। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट गाइस, थैंक यू।